फ्रेंड्स, मैच का थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये एक नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे और इस वीडियो में मैंने चोली से लेकर पूरी लास्ट तक ड्रेस कंप्लीट बना के बताई है, किनारे भी बताई है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स का कहना था कि आप कंप्लीट ड्रेस बना के बताओ, चोली भी साथ में बताओ, तो इसीलिए मैंने इसे बनाया है। और 11 नंबर मैंने इसे क्रोशिए पर बनाया है, 6 इसका डायमीटर आया है। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसे एक में ही बना सकते हैं, आप इस ड्रेस को किसी भी नंबर में किसी भी साइज में बना सकते हैं। जैसे 0 साइज के लिए बनाते हैं तो सेम इसी तरह से बनेगी, बस आपने चोली यहाँ से देखकर बनानी है। जैसे ये मेरी ड्रेसेस हैं, ये देखिए मैच का थ्रेड्स हमने ड्रेस ओपन की, ये एरो को हम टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आ गई यहाँ पर। ये देखिए 0 और 1 नंबर कान्हा जी की चोली का लिंक दिया है, ये 2 3 ये 4 5, 4 5 का है तो आगे 6 का है, तो यहां से देखकर आप चोली बना ले 0 साइज की। उसके बाद घेरा इतना ही बनाए। इसी तरह से अगर इसको आपने 2 नंबर में बनाना है तो चोली वहां से देख के बना ले डिस्क्रिप्शन से, घेरा आप इसी तरह से बना ले। बस 2 नंबर कान्हा जी में आप यहाँ पर हमने ये देखिए ये 2 बनाई है रो, 2 राउंड बनाए हैं, तो उसके लिए आप 3 राउंड बनाए, उसके बाद ये फ्लावर वाला राउंड बनाए। इसी तरह से इस ड्रेस को आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं, जैसे 4 5 या 6 नंबर में, उनमें भी आप एक फ्लैट सर्कल बना ले। तो बड़े साइज में भी आप एक फ्लैट सर्कल बना ले। जैसे ये मेरी ड्रेस है मेरे चैनल की, एक ये है 48 नंबर है और ये 47 नंबर है, इसमें मैंने फ्लैट सर्कल बनाना बताया है। तो बड़े साइज में आप एक फ्लैट सर्कल बना ले, उसके बाद आप इसे बना ले, तो वो बड़ी हो जाएगी आपकी बड़े कान्हा जी के लिए। तो मेरे बाकी चैनल की ड्रेसेस की तरह इस ड्रेस को भी आप बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम ये ड्रेस बनानी शुरू करते हैं। और इस ड्रेस को मैंने लोहड़ी से पहले इसलिए बनाया है ताकि जिनके पास भी 0, 1 या 2 नंबर के कान्हा जी हैं वो भी लोहड़ी फेस्टिवल से पहले इस ड्रेस को बना सके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा पौने घंटे में ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो ड्रेस बनाने के लिए 11 नंबर मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm, और यहाँ पर हम चेन स्टिच से चेन बनाएंगे। ये हमने इस तरह से पकड़ लिया, 2 बार ऐसे किया, इसे हम खींच लेंगे तो ये एक चेन आई हमारे पास, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमने यहाँ पर चेन बनाई, 12। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे और इन 3 चेन को हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। फोर्थ चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये धागा लिया हमने, चेन में हमने क्रोशिया हुक डाला, ये 3 हो गए, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 रह गए, 2 से हमने 1 बना दिया। तो सभी चेन में हम एक एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 हमने चेन लिए थे तो 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक जो हमने स्टार्ट करने के लिए 3 की चेन ली है, ये वाली, ये 3 की चेन, तो उससे भी हम बीच में काउंट करेंगे, तो टोटल ये यहाँ पर 13 हो जाएंगे। एक नंबर कान्हा जी की चोली के लिए हमने टोटल 3 रो बनानी है। फर्स्ट और थर्ड बनाएंगे हम डबल क्रोशिए से, और जो सेंटर वाले है उसे हम हाफ डबल क्रोशिए से बनाएंगे ताकि चोली की लेंथ ज्यादा ना हो। अब वर्क को टर्न करेंगे, हाफ डबल क्रोशिए से हमने रो बनानी है तो 2 चेन लेंगे, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिए की हाइट कम होती है। ये हमने 2 चेन लिए, यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 हो गए हमारे पास, तीनों को इकट्ठा एक साथ हमने निकाल दिया, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। शुरू में 2 की चेन ली और स्टार्ट में ही हमने बनाया तो ये फर्स्ट चेन में यहाँ पर ये 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट में हर चेन में हमने 2 बार बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए ये धागा लिया सेम प्लेस पर, ये 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया, ये हाफ डबल क्रोशिया है। ये देखिए यहाँ पर इसकी हाइट, इसकी लंबाई है और ये छोटा स्टिच रह गया है, तो चोली की लेंथ ज़्यादा ना हो इसीलिए हमने इस तरह से किया है। सारी चेन में 2 बार बनाएंगे, लास्ट में यहाँ पर जो 3 की चेन है उसके ऊपर हम 1 बार बनाएंगे।
लास्ट में जाकर ये जो तीन की चेन है यहां पर हम एक बार बनाएंगे। तो ये देखिए हर चेन में मैंने दो बार बनाया, लास्ट में जो तीन की चेन है उसके ऊपर एक बार बनाया। टोटल यहाँ पर हमारे पास 13 थे, 13, तो 13 का डबल 26, 26। तो लास्ट में हमने एक बार बनाया है तो इसलिए ये मेरे पास यहाँ पर 25 हो गए, 25। वर्क को टर्न करेंगे, एक दो तीन चेन लेंगे क्योंकि हमने अब डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है। स्टार्ट वाली चेन में हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हमने आर्म होल बनाना है, इंक्रीज नहीं करने, अब इस रो में हम इंक्रीज नहीं करेंगे तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो एक ये हो गया, इसको हमने एक डबल क्रोशिया गिनना है, ये दो हो गए, तीन, और चार, चार हमने बनाए, एक दो तीन चार, चार स्किप करेंगे, फिफ्थ में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहां पर हम 9 बार बनाएंगे, 9, तो 9 बार बनाया मैंने। अब इसके बाद फिर से एक दो तीन चार स्किप करेंगे आर्म होल के लिए, एक, इसके बाद फिर से 4 बार बनाएंगे। ये जो लास्ट तीन की चेन है उसके ऊपर भी हमने एक बार बनाया। तो ये देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे, तो फ्रंट में ये 4 और 4, 4 प्लस 4 8 हो गए, और बैक साइड पे ये 9 है 9, टोटल हमारे पास ये 17 हो गए, 17। अब यहाँ पर जो तीन की चेन है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच बनाकर आर्म होल की साइड जाएंगे। तो ये देखिए ये चोली इस तरह से, एक नंबर कान्हा जी बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए ये चोली ठीक रहेगी। इसके बाद हमने इंक्रीज करने हैं घेरे के लिए, हमने तीन चेन लिए, डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारा फर्स्ट जहां पर हमने ज्वाइन किया है सेम प्लेस पर पहले हम बनाएंगे, तो ये फर्स्ट स्टिच में ये 2 बार हो गए, हर स्टिच में हम 2 बार बनाएंगे। ये एक बार बनाया, फिर से सेम प्लेस पर हमने वहीं पर बनाया, ये देखिए। तो दो दो आप सारे राउंड के ऊपर बना लें। तो ये देखिए हर चेन में मैंने 2 बार बनाया, यहाँ पर एक दो तीन, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब हमने इसके बाद एक राउंड और बनाना है, एक दो तीन चेन ली हमने, फिर हम नेक्स्ट में सेम प्लेस पर नहीं बनाया जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, नेक्स्ट में बनाया, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, फिर हम 1 बार बनाएंगे नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में 2 बार, एक, और सेम प्लेस पर 2 बार। तो स्टार्ट में हमने ये 1 बार बनाया है जो तीन की चेन है उसी स्टिच में हमने नहीं बनाया था, 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे, और सेकेंड चेन में 2 बार बनाएंगे। तो राउंड कंप्लीट हो गया, सेकेंड राउंड को हमने ज्वाइन करना है इस तरह से स्लिप स्टिच से। तो चोली के लास्ट में मेरे पास 17 डबल क्रोशिए थे, तो फर्स्ट राउंड में हमने 17 इंक्रीज किए तो ये 34 हो गए, 34। फिर हमने 17 इंक्रीज किए सेकंड राउंड में तो ये 51 हो गए, 51। अब यहाँ पर हमने येलो कलर लगाना है फ्लावर बनाने के लिए, तो जहां पर मैंने ज्वाइन किया है उसी जगह मैंने एक बार येलो कलर से स्लिप स्टिच बनाया। फिर हम नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे 1 बार और, तो ये हमारा येलो कलर स्टार्ट हो गया, या ऑरेंज कलर का धागा यहां पर हम काट देंगे। तो अब हम यहां पर फ्लावर बनाएंगे, तो शुरू में हम एक दो तीन चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट के लिए, इसके बाद हम एक दो तीन चार चेन हमने और ली, तो टोटल हमने 7 चेन ली स्टार्ट में। ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है, इसे काउंट नहीं करेंगे,
एक और दो स्किप करेंगे, थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार चेन लेंगे, एक दो स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक दो तीन चार, एक दो स्किप करेंगे, थर्ड में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास आएगा। इसीलिए हमने स्टार्ट में 7 चेन ली है, 3 हमने डबल क्रोशे की हाइट की ली है और 4 जो हम यहाँ पर लेते हैं वो हमने ली है। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट हो गया, 4 चेन लेकर राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक दो तीन, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन किया। इसके बाद हम एक दो तीन चार चेन लेंगे। फिर से देखिए, 4 चेन लिए हमने, वर्क को टर्न किया है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये लूप आ गया हमारे पास ऊपर। यहाँ पर अब हमने क्रोशिया वर्क करना है, इसको फिर से टर्न करेंगे, फिर हमारी ये फ्रंट साइड आ गई। एक दो तीन चेन लेंगे और इस लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी साइड वाली चेन है और दूसरा ये डबल क्रोशिया, तो ये दो हो गए हमारे पास। तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10, 9 हमने डबल क्रोशिया बनाए एक साइड वाली चेन, तो ये 10 हो गए। इसके बाद हमने फिर से धागा लेकर इसके ये नीचे इस चेन में हम 5 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक दो तीन चार पाँच, तो 5 बार बनाया मैंने। देखिए, इसके बाद हमने ज्वाइन करना है इसे। तो ज्वाइन हम इसे नेक्स्ट, यहाँ पर जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया नहीं बनाया हमने। तो ये इस तरह से आ गई हमारे पास। फिर हम एक दो तीन चार, 4 चेन हमने पहले ली थी, 4 फिर से ली, वर्क को टर्न किया। अब हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। फिर से हमने एक दो तीन चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, ये हमारी फ्रंट साइड आ गई। फिर से हम इस लूप में 10 बार बनाएंगे, 9 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक हमारी साइड वाली चेन। 10 10 बार मैंने बना लिया टोटल। उसके बाद फिर से हम इसके नीचे वाले इस डबल क्रोशिया को इस तरह से पकड़ के यहाँ पर बनाएंगे 5 बार। एक दो तीन चार पाँच, इसके बाद इसे ज्वाइन करेंगे। ये जो इसके बाद नेक्स्ट ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये ज्वाइन हो गए। फिर से हम एक दो तीन चार चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, ये रॉन्ग साइड आ गई। यहाँ पर हम, ये देखिए, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, सिंगल क्रोशिया से हमने इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। एक दो तीन चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर ये राइट साइड आ गई। यहाँ पर फिर से हम 9 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक साइड वाली चेन, तो ये 10 हो जाएंगे। टोटल साइड वाली चेन को मिलाकर 10 बार बनाया मैंने। इसके नीचे यहाँ पर 5 बार बनाएंगे, ये 2 हो गए, 3 4 5, यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। एक दो तीन चार चेन लेंगे और फिर से हम इसे साइड में ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चेन लिए,
फिर से हम वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर हम नोवा डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्लावर बनते जाएंगे। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। तो राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। अब ये देखिए यहाँ पर इसे हम ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से एक दो तीन चार चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन चेन लेंगे, फिर से हम वर्क को टर्न करेंगे, यहाँ पर हम नौ बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। नौ बार बना लिया मैंने डबल क्रोशिया। अब ये यहाँ पर जो डबल क्रोशिया है पांच बार यहाँ पर बनाएंगे। ये एक दो तीन चार और पांच, पांच बार बनाने के बाद हम इसे यहाँ ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच बनाया हमने, एक बार चेन लेंगे और यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। चोली के ऊपर किनारी भी मैंने बना दी है, ये मैं आपको करके बता देती हूँ अभी किस तरह से हमने बनानी है। इसी धागे को स्टार्ट करेंगे, ये जो ऑरेंज वाला है देखिए इसके बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर ये सारी चेन है यहाँ पर, ये देखिए। तो इसी चेन में हम स्टार्ट करेंगे धागे को इस तरह से। अब इसे ऐसे हमने लंबा बना लिया स्टिच को, थोड़ा सा ऐसे छोटा नहीं रखना, थोड़ा लंबा रखेंगे। एक फिर धागा लिया, दो फिर धागा लिया, तीन चार पांच छः, छः ले सकते हैं, सात भी ले सकते हैं, ये सात। यहाँ से इसे पकड़ लेंगे, धागे को मैंने पकड़ लिया यहाँ से, ये सारे स्टिच निकाल दिए। ये देखिए जहाँ से हमने पकड़ा है वहाँ पर क्रोशिया हुक डालकर एक बार इन सारे धागों को हम लॉक करेंगे। एक बार निकाला यहाँ से, फिर दोनों को ऐसे निकाल दो। एक दो तीन चार चेन लिए, फिर नेक्स्ट ये जो चेन है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को ऐसे लंबा कर लेंगे, ये धागा लिया, एक दो तीन चार पाँच छ सात, धागे को यहाँ पर पकड़ेंगे, ये वाले को सारे स्टिच निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने पकड़ा था, इसमें क्रोशिया हुक डाल लेंगे, पहले हम इसे निकाल लेंगे, ये दो हो गए। अब इन दोनों को इस तरह से निकाल देंगे, तो ये सारे स्टिच हमारे इससे पैक हो जाते हैं। दो तीन चार, चार चेन लिए हमने और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर ये बनाए हैं, ये इस साइड राइट साइड ये देखिए यहाँ पर ये होल है, यहाँ से इसे इस साइड ले आएंगे इस तरह से। तो ये इनके बीच में यहाँ पर फ्लावर के बीच में आ जाएंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो राउंड कंप्लीट हो गया मेरा, यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे स्टार्ट में। सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने, फिर यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बनाकर एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। अब इसे यहाँ से सभी को ये वाले होल में से इस तरह से निकाल लेंगे।
तो ये देखिए ड्रेस कंप्लीट हो गई और बैक साइड से ये इस तरह से आया है। और ये जो हमने बनाने हैं, ये पफ बनाए हैं, इसके लिए जो आपने पहला स्टिच रखना है उसे आपने थोड़ा लंबा रखना है। जैसे मैंने आपको बताया है, ये वाला जब हम पफ बनाएंगे यहाँ पर, इसे हमने थोड़ा ऐसे छोटा नहीं रखना, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे, लंबा रखेंगे तभी ये यहाँ पर बड़े बड़े पफ आएंगे। इसे हमने ऐसे लंबा करके फिर हमने यहाँ पर 8 बार बनाना है, ये 7 बार, 2 3 4, तो इसे हमने थोड़ा सा इस तरह से लंबा रखना है तभी ये इस तरह से बड़े बड़े पफ आएंगे। अब मैं आपको चोली की किनारी भी बता देती हूँ। यहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे चोली के लिए, यहाँ से हमने धागा स्टार्ट कर लिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक साथ निकाल दिए सारे, ये धागा लिया, ये सारे 3 हैं, तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर हमने धागा लिया, नेक्स्ट में बनाएंगे, एक ही जगह पर हम 2 बार बनाते हैं हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार बनाया, फिर ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया को उठाकर 2 बार बनाएंगे, एक और दो, फिर 2 चेन लेंगे टर्न लेने के लिए, इसी जगह पर हम फिर से 2 बार बनाएंगे, ये हमने 2 बार इस साइड के लिए बनाया है। अब जो 2 बार बनाएंगे ये हम नेक की तरफ जो है स्टिच उसके लिए हमने बनाया है। इसके बाद 1 2 स्किप करेंगे, 2 बार बनाएंगे यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 स्किप करेंगे, 2 बार बनाएंगे, सेंटर में मैंने 3 स्किप किए हैं क्योंकि हमारे पास 13 है डबल क्रोशिया, 14 नहीं है, ऑड नंबर है तो एक हमारा नहीं तो बढ़ जाएगा, इसलिए बैक की तरफ मैंने 3 किए हैं। इस तरह से फिर ये लास्ट है हमारा, 2 स्किप करेंगे, लास्ट डबल क्रोशिया में भी हमने 2 बार बनाया, 2 हम चेन लेंगे यहाँ पर, फिर से 2 बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे, एक और दो, फिर नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पर हम धागे को काट देंगे। ये दोनों धागों की हम दूसरी साइड गांठ लगा देंगे। तो ये देखिए ये चोली की किनारी इस तरह से आएगी, इसी तरह से मैंने यहाँ पर बनाई है, और इसी तरह से हम दोनों आर्म होल की भी बनाएंगे। तो ये तो हो गई 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस। ये देखिए 6 इंच का डायमीटर आया है, और अगर आपको थोड़ा सा घेरा और बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पर हमने 2 राउंड बनाए हैं, तो आप यहाँ पर ये ऑरेंज कलर के 3 राउंड बना ले, उसके बाद फ्लावर बना ले तो घेरा और बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको 2 नंबर कान्हा जी की बनानी है तो उनके लिए भी ये 1 2 और 3 राउंड आप सेंटर में ऑरेंज कलर से बना ले, उसके बाद फ्लावर बना ले तो 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस हो जाएगी। और उनकी चोली का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से देखकर आप चोली बना ले। सेम इसी तरह से आप 0 नंबर कान्हा जी की भी बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने अपना चैनल ओपन किया है, यहाँ पर जो भी मैंने नई ड्रेसेस बनाई है ये लोडी स्पेशल है, इसको हमने टच किया, ये डिस्क्रिप्शन के लिए हम देखिए नीचे वीडियोस है तो यहाँ एरो को हम टच करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाती है इस वीडियो की। तो यहाँ पर मैंने सभी साइजेस की चोली का लिंक दिया है, ये देखिए 0 और 1 नंबर कान्हा जी की चोली, 1 नंबर कान्हा जी की हमने बनाई है, 0 की अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये देखिए ये दोनों साइज की चोली खुल गई। तो इस तरह से मैं डिस्क्रिप्शन में सभी साइजेस की चोली का लिंक दे दूंगी, वहां से देखकर आप चोली बना लें, क्योंकि मुझे कमेंट मिलते हैं 0 नंबर के भी बताओ, तो सेम बिल्कुल आपने 0 नंबर की बनानी है, बस चोली आपने वहां से देखकर दूसरी बनानी है डिस्क्रिप्शन से देखकर। इसी तरह से ये छोटी ड्रेस जो हमने बनाई है अभी, ये जरूरी नहीं है कि ये छोटी ही बनेगी, इसको आप किसी भी साइज में किसी भी नंबर में बना सकते हैं, जैसे 4 5 6 7, बस आपने यही करना है जो सेंटर वाला जो हमने मैंने कई ड्रेसेस में ये फ्लैट सर्कल बनाना बताया हुआ है, तो आप एक फ्लैट सर्कल बना ले बड़ी ड्रेस के लिए, तो उसके लास्ट में जाकर आप ये वाले फ्लावर बना ले, तो आप इस ड्रेस को बड़े साइज में भी इस तरह से बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटे कान्हा जी की ड्रेस आपको पसंद आएगी।
अगर ये आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।